मध्य प्रदेश के खरगोन से भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आई है। जिला मुख्यालय खरगोन पर आयोजित शिवडोला समारोह से लौट रहे दो उप निरीक्षक और एक आरक्षक की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई, जबकि एक आरक्षक और एक नगर सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार खरगोन से आ रहे SI रमेश भास्कर, SI विमल तिवारी और आरक्षक मनोज कुमावत अपने अन्य साथियों के साथ खरगोन के सिद्धनाथ के शिवडोले में शामिल होकर रात को खरगोन से वापस सनावद जा रहे थे। और आपको बताते चले, ग्राम वरदूद के पहले उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें सभी पुलिसकर्मी सवार थे। दुर्घटना के बाद वाहन में सवार SI रमेश भास्कर, विमल तिवारी और आरक्षक मनोज कुमावत की घटनास्थल पर मौत हो गई। दिनांक 1 सितंबर को शिवडोला ड्यूटी के हमें हमारे थाना सनावद में जो ड्यूटी पर लगे हुए सब इंस्पेक्टर रमेश चंद्र भास्कर, विमल तिवारी सब इंस्पेक्टर और आरक्षक मनोज, आरक्षक हरवीर और सैनिक कोमल, ये पांचों अपने प्राइवेट वाहन से ड्यूटी समाप्त करके सुबह लगभग 5 बजे के आसपास सनावद की ओर आ रहे थे। तभी रोड एक्सीडेंट के दौरान उनकी कार टकराती है, जिसके दौरान मौके पर सब इंस्पेक्टर विमल तिवारी, सब इंस्पेक्टर रमेश चंद्र भास्कर, आरक्षक मनोज इनकी मौके पर ही मृत्यु हुई थी। और घायल आरक्षक रघुवीर और सैनिक कोमल को तत्काल उपचार के उद्देश्य से इंदौर कर दिया गया। सर, कहाँ के रहने वाले थे? विमल तिवारी इंदौर के निवासी हैं, इंदौर के रहने वाले, अलवर के रहने वाले, रमेश चंद्र भास्कर बुरहानपुर के रहने वाले हैं और आरक्षक मनोज सिमरोड इंदौर के रहने वाले। ठीक सर, थैंक यू।